नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविलाइजेशन में। आज हम जो है आपको कंक्रीट के रेशियो और मिक्स डिजाइन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ये मिक्स डिजाइन क्या कहलाता है। एंड ये जो कंक्रीट का रेशियो है ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है, हमने M20 का रेशियो लिया। M20 का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1.5:3 का, समझिएगा 1:1.5:3, ठीक है। 1:1.5:3 मतलब एक पार्ट अपने पास रहती है सीमेंट, डेढ़ पार्ट एग्रीगेट सॉरी सैंड, और तीन पार्ट एग्रीगेट। ये अपना M20 का रेशियो रहता है ना। मैक्सिमाइज अपन देखते हैं कि साइट पे जब अपन जाते हैं तो चेक करते हैं कि कौन सा ग्रेड है, तो लोग बता देते हैं कि M20, ठीक है। तो अपने माइंड में ये आ जाता है कि M20 है तो ये रेशियो होगा। अब इसी के बिहाफ में जो मिक्स डिजाइन होती है वो इसी ग्रेड के बिहाफ में होती है। अब मिक्स डिजाइन में जो डिजाइनर होता है वो क्या करता है, तो जो डिजाइनर होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो 3-4 ग्रुप बनाता है रेशियो का। 3-4 ग्रुप इन द सेंस वो चेक करता है कि कौन से में सबसे ज्यादा, कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। तो वो सबसे पहले, ये तो अपना M20 एक हो गया, ठीक है। इसके बाद ये इसको भी चेक, एक तो ये हो गया अपना 1:1.5:3 M20 का। दूसरा वो क्या करता है कि इसमें छेड़खानी करता है, ये जो रेशियो डाला हुआ है इसको कर देगा 1.26, ठीक है। इसको कर देगा 1.76 और इसको कर देगा 3 है तो इसको कर देगा 3.7, ठीक है। सेम कंडीशन ऐसे ही जो है दूसरा कर दिया 1.3, 1.8 और 3.9। ऐसे ये एस सुनियन 3-4, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब ये क्या करता है आदमी जो डिजाइनर है वो ऐसे ऐसे अपने 4 सैंपल बना लेता है। एक सैंपल ऑलरेडी मेरा M20 का है, ये रहता है। इसके बिहाफ में जो मिक्स डिजाइनर होता है वो क्या करता है कि ऐसे इसी बिहाफ में 4, 5, 6 जो भी है, और इसके बाद ये सैंपल बनाने के बाद, ठीक है, इस रेशियो में क्यूब कास्ट करता है, ठीक है। इस रेशियो में क्यूब कास्ट करने के बाद जो ये रेशियो हमने लिया है, ठीक है, ये समझाने के लिए है, कोई टेंटेटिव रेशियो नहीं है, ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं है, यह टेंटेटिव समझाने के लिए है। तो इस तरह से ये क्या करता है कि इस रेशियो में छेड़खानी करने के बाद 7 डेज बाद, ठीक है, क्यूब कास्ट करता है इस रेशियो पे, और इस रेशियो पे क्यूब कास्ट करने के बाद 7 डे बाद क्या करता है, आफ्टर 7 डेज इन सारे क्यूब्स की टेस्टिंग करता है। इन सारे क्यूब्स की टेस्टिंग करने के बाद जिसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, यदि अपन ने रेशियो चेंज किया है तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी की जो है 23 आ रही है, किसी की 25 आ रही है, किसी की 28 आ रही है, या समझ लीजिए किसी की 13 आ रही है, ठीक है, किसी की 15 आ रही है, किसी की 17 आ रही है न्यूटन पर mm², है ना। तो इस बिहाफ में जो है जो सबसे ज़्यादा आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रेशियो आती है सीमेंट सेंट एग्रीग्रेट, तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आई जिस क्यूब की, जिस रेशियो पर, ठीक है, मिक्स डिजाइन में उसी को जो है वो प्रेफर कर देता है। ये होती है मिक्स डिजाइन। और जो डायरेक्टली M20, M25, ठीक है, तो सभी की मिक्स डिजाइन, ये तो अपना ग्रेड हो गया, ये एक डिफाइंड ग्रेड है, ठीक है, ये अपना एक डिफाइंड ग्रेड है कि आदमी बोला M20 तो ये अपने माइंड में ये आ जाता है कि ये रेशियो होगा। लेकिन जब अपन मिक्स डिजाइन पे चलते हैं तो मिक्स डिजाइन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि इसमें पॉइंट करके क्यों लिखा हुआ है। जैसे सीमेंट सेंट एग्रीग्रेट का जब रेशियो लिखा रहता है 1.26 अनुपाते 1.56, इसके बाद ऐसे करके 3.7, तो लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन था कि जब इसमें ग्रेड में ये चीज़ें ली गई हैं
ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे आ गया, तो ये ऐसे आता है, कैसे, मिक्स डिजाइन में चार पांच का ग्रुप बनाते हैं। इसके बाद जो ये वन लिखा हुआ है इसमें अपन छेड़खानी करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मटेरियल इधर उधर करके अपन स्ट्रेंथ चेक करते हैं, और जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, चार सैंपल हमने लिया, पांच सैंपल लिया, सात सैंपल लिया, और जिस सैंपल की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आई उसको हम क्या करते हैं मिक्स डिजाइन में चिपका देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।